मयूरभंजरे माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक लोकमानक मनरे आनंद उल्लास खेली जाइछि। माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जिंदाबाद ध्वनि रे कंपी उठिला गगन पवन। साथीरे थिले 5T सचिव बीके पांड्यान, पूर्वतन मंत्री विधायक सुदाम मारांडी, विधायक राजकिशोर दास, मयूरभंज जिला परिषद सभापति भारती हांसदा, मंत्री अश्विनी पात्र। आजिर दिन थिला मयूरभंजवासी एक ऐतिहासिक दिवस कहले अत्युक्ति हेबो नाही। सुवर्णरेखा देव जलसेचन प्रकल्प शुभ उद्घाटन करथिले माननीय मुख्यमंत्री। ब्यूरो रिपोर्ट, रूपाथड़िया न्यूज। स्वागत करुच्छी एवं वर्तमान मु अनुरोध करी जो दुईटी प्रकल्प मयूरभंज बालेश्वर केउंझर जिल्लार भाग्यरेखा को परिवर्तन करिया को जाउछि सुवर्णरेखा प्रकल्प एवं देव जलसेचन प्रकल्प ता उपर एक ऑडियो विजुअल आम देखि नबा एबी प्लीज। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ମୁହଁରେ ହସ। ୟା ପଛରେ ଅଛି ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ରାଜ୍ୟରେ 41.89 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚିତ କରାଯାଇ ଆମ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ଆଖିଦୃଶିଆ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଏକାଧିକ ବାର ଜାତୀୟ କୃଷି କର୍ମଣ ପୁରସ୍କାରର ସମ୍ମାନ ପାଇପାରିଛି। ଜଳ ସମ୍ପଦର ସମୁଚିତ ଉପଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଆମ ରାଜ୍ୟ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାତୀତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିଛି, ଆଉ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଚାଷୀ ମୁହଁରେ ହସ ଆଣିଦେବ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି, ଏହା ହିଁ ଆନ୍ତରିକ ଅଭିଳାଷ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ। ପ୍ରକୃତରେ ଚାଷୀ ଭାଇ ଯୋଗଉଛି ଦୁନିଆକୁ ଆହାର, ସେହି ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କର ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ସହିତ ମାନ୍ୟବରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। କେବଳ ଚାଷୀ ଭାଇ ନୁହେଁ, ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବର୍ଗ, ଛାତ୍ର, ଯୁବକ, ମହିଳା, ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟିରେ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୋଜନାମାନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ, ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ, ସେ ଦିଗରେ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ଅବସରରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଲଢ଼ୁଆ ଆଦିବାସୀ ନେତା, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।
जतके जोहार आज मान्यवर ओडिशार मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक महोदय आज मंच उपस्थित थिबा अन्यतम मंत्री अश्विनी पात्र महोदय मंच उपस्थित थिबा आप मानकर समस्त प्रिय ए माटीर विधायक राजकिशोर दास महोदय मंच उपस्थित थिबा जिला परिषद सभानेत्री भारती हासदा महोदय 5T सचिव महोदय कलेक्टर महोदय जलसेचन विभाग समस्त अधिकारी माने प्रिंट्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया रो समस्त भाई माने उपस्थित थिबा राजगोविंदपुर ब्लॉक रो मोर चासी भाई भौनी मानंकु युवा बंधु मानंकु स्नेहर पिला मानंकु एसएचजी मिशन शक्ति रो मां मानंकु सर्वोपरि मयूरभंज जिले रो विभिन्न अंचल रो आसीथिबा युव छात्र बुद्धिजीवी समस्त को आप मन को आज भाई एक पवित्र तिथि रे हार्दिक अभिनंदन एवं शुभेच्छा ज्ञापन करुचि। बंधुगण आज निश्चित भावे आम मन पाई एक उत्सव मुहूर्त आज निश्चित भावे आम मन पाई एक ऐतिहासिक दिवस कहले अत्युक्ति हेब ना। आज मयूरभंज माटी को माननीय मुख्यमंत्री एभली काम जोटा केवे हेले माटी आम भूली पारा ना। आज देउस जलसेचन प्रकल्प शुभ उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री ये आज ये मयूरभंज जिलार सबुठ बड़ प्रकल्प सुवर्णरेखा जलसेचन प्रकल्प जोटा यार पा बालेश्वर पर्यटन जीव एवं आप खुशी लगे इरीगेशन डिपार्टमेंट अधिकारी मैंने कहते जो पा छड़ाई सबुठ अधिका मयूरभंज रु बालेश्वर पर्यंत प्राय 17,000 हेक्टर जमी जलसेचित हेबो ये निश्चित भाव आम पाई खुशी कथा अच्छे आनंद कथा अच्छे। बंधुगण माननीय मुख्यमंत्री केवल ओडिशार मुख्यमंत्री नुहंती आज भारत बर्षर जिते प्रदेश अच्छे सबुठारु नंबर वन मुख्यमंत्री जदि के हुवंती से होची आपनको मुख्यमंत्री से होची आमर मुख्यमंत्री से होची समस्त मुख्यमंत्री ओडिशा माटी बरपुत्र आमर पूज्य नवीन पटनायक महोदय जेबे भी पॉलिटिकल सर्वे हेची जेबे भी पॉलिटिकल सर्वे हेची भारत वर्ष रे सही दिन पखरु आज पर्यंत जदि मुख्यमंत्री नंबर वन सीट का को जाए से होची नवीन पटनायक महोदय को जाए एवं से भली मुख्यमंत्री सर्वे रे भारत वर्ष रे सबटु लोकप्रिय मुख्यमंत्री ओडिसार मुख्यमंत्री आमर समस्तंकर मुख्यमंत्री श्रीजुक्त नवीन पटनायक हेथिबारो तांको मु प्रणाम जणौछे एवं आज आपण मानक तरफ तांको कृतज्ञता मध्य जणौछे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय उपस्थित पूर्वतन मंत्री श्री सुदाम भाई एवर मंत्री श्री अश्विनी भाई श्रीमती भारती दीदी कलेक्टर महोदय एवं समस्त अधिकारी वृंद सामने बसी माँ मौसी माने चासी माने समस्त एठी उपस्थित समस्त मीडिया रो भाई और भौणी माने बंधुगण मु कहि रखिबा पई चाहूँ आम पई एक सौभाग्यर कथा आम पई आज एक खुशी रो मुहूर्त जे माननीय मुख्यमंत्री आम जिला को आसी मो पई तो बहुत सौभाग्यर कथा आम अंचल रास